Crack CAT 2023 in 120 days. So 2Campus comes up with the CAT 99, which is our 99 percentile workshops, which will give you all the tricks and strategy to score 99 percentile in a CAT 2023 exam. Okay, and that too in the time period of 120 days. Okay, so पहले तो कुछ नहीं आता है, हम ये करेंगे कैसे? 120 days तो हमारे पास है, but उसमें करना क्या होगा? So take 90 days out of it. Okay, you cannot work for all the 120 days. So considering all the holidays, let's say you work for 90 days. Now what do I need? I need 5.5 hours per day. जहाँ पे तुम 2.5 hours का video देखोगे, concept सीखोगे, shortcut ट्रिक सीखोगे, क्वेश्चंस के पैटर्न समझोगे. And once you do that, you'd go for your material solving, okay, which is practicing whatever you have learned so that you are able to get the topic really, really well. Okay, so all I need is 5.5 hours per day and that for 90 days. And you are done with your syllabus. That is all that you need, and that is all that what I need from you as a commitment for this workshop. So with this introduction, let's get into the details of the workshop. Okay, before we go to the workshop there, पहला एक timeline देख लेते हैं. CAT होगा कब? नवंबर में होगा. ओके, थर्ड वीक ऑफ नवंबर यू कैन एक्सपेक्ट योर कैट एग्जाम. और ये सारे बाकी के एग्जाम जो कैट के बाद हो गए, इसके लिए ऑब्वियसली वी नो दैट थोड़ा स्ट्रैटेजी चेंज होगा हमारा. करेंटली वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट कैट. ठीक है, लेट्स नॉट लुक एट अदर एग्जाम्स फॉर द टाइम बीइंग. अब टाइमलाइन क्या होगा? नवंबर में तुम कैट लिखोगे, दिसंबर जनवरी तक तुम्हारे रिजल्ट आएंगे, फिर तुम्हारा पी आई होगा, फिर तुम्हारा जी डी होगा, जीई रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट, एंड देन you will get your final results. Okay, so in between that you will get something or less knowledge session for preparation. Okay, that is for your GD as well as GE. So group discussion में बात कैसे करते हैं, कैसे points generate करते हैं, कैसे type के topic तुम expect कर सकते हो, personal interview में कैसे type के question आ सकते हैं, how do you prepare for that. So for all that, okay, you are with 2Campus. So don't even think that if I buy the workshop which is only for the exam preparation, I won't be there for all these sessions. Till the time you get the admission, you are with 2Campus. Okay, ठीक है, so थोड़ा idea आ गया. अब CAT में जाते हैं कि CAT का exam क्या है, कौन से section होते हैं और हम कैसे prepare करेंगे. So all of us know that VRC, DLR, QA ये section होते थे. ये है CAT 2015 से 2019 तक. 60 मिनट्स पर सेक्शन, ऑन एन एवरेज 30 टू 35 के बीच में क्वेश्चन होते थे पर सेक्शन. टोटल क्वेश्चंस 100 और टोटल टाइम होता था 180 मिनट्स. बट दिस वॉज कैट 2015 टू 2019. फिर कोविड कैट आया 2020 में, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए 76, टाइम रिड्यूस हो गया फ्रॉम 3 आवर्स टू 2 आवर्स. ओके, एंड एज यू कैन सी ऑन एन एवरेज 25 क्वेश्चंस पर सेक्शन. अब क्या हो रहा है? व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन 2023 कैट इज समथिंग दिस. व्हाट हैपेंड फ्रॉम 2021 ऑनवर्ड्स. सो अब क्या हो गया? 76 क्वेश्चन के 66 क्वेश्चन हो गया. टाइम कितना है? उतना ही जो पहले था, 120 मिनट्स. सो यू कैन सी ऑन एन एवरेज 2 मिनट्स पर क्वेश्चन अभी कैट का एग्जाम बन चुका है. ठीक है, सो कैट का आइडिया तो आ गया, कौन से सेक्शन है और कितना टाइम है. अब हम जो बार बार ये बोले जा रहे हैं 99 परसेंटाइल वर्कशॉप्स, सो हाउ विल वी गो हेड विद द स्ट्रैटेजी, है ना? बहुत प्रिसाइज होना चाहिए बिकॉज वी आर गोइंग विद अ वीडियो कोर्स. सो उसमें पूरा प्रिसाइसली बना है कि ये चीज़ करना है, ऐसे प्रैक्टिस करना है और फिर ऐसे जाके एग्जाम लिखना है, तो हमारा 99 परसेंटाइल हो जाएगा, है ना? सो क्या स्ट्रैटेजी हो? सी, दिस इज योर स्ट्रैटेजी टू स्कोर द 99 परसेंटाइल. सो अभी हम क्या देख रहे हैं? टोटल मार्क्स कितना एग्जाम में? 198. कैसे? 66 क्वेश्चन है, 66 × 3 198 मार्क्स का एग्जाम है. उसमें से तुम्हें कितना स्कोर करना है? ये 113 लिखा है यहाँ पे, एनीवेयर बिटवीन 100 to 110. ओके, इन शॉर्ट ऐसे भी बोल सकते हो 50 to 55% ऑफ द मार्क्स तुम्हें स्कोर करना है सो दैट तुम्हें 99 परसेंटाइल मिल जाए, है ना? सो इसी चीज से एक बात पता चल रहा है क्या कि कैट एक डिफिकल्ट एग्जाम है. जो क्वेश्चंस डिफिकल्ट हो गए, गिव देम रिस्पेक्ट, लीव देम इन द एग्जाम, सॉल्व द इजी क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे परसेंटाइल सिस्टम होता है. तो तुमने अपने जो टॉपर है तुम्हारा एग्जाम का, उससे कितने ज़्यादा मार्क्स लिए, है ना? हाँ, या उससे कितने कम मार्क्स लिए. ऑब्वियसली टॉपर से ज़्यादा तो ले नहीं सकते हो, तो टॉपर के कंपैरिजन में तुम्हारा मार्क्स कहाँ स्टैंड करता है, सो उससे तुम्हारा परसेंटाइल आ जाएगा, राइट? सो दैट्स व्हाट आई वांटेड यू टू से. 55% ऑफ द मार्क्स भी अगर तुम ले लेते हो तो तुम्हारा 99 परसेंटाइल आ जाएगा. ओके, नाउ यू विल आस्क मी कि हम कैसे करेंगे ये 55%. अगर डिफिकल्ट है तो भी क्या स्ट्रैटेजी होगा? अटेम्प्ट वर्सेस एक्यूरेसी. 80% हमारे क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए, उसमें से 80% हमारे एक्यूरेट होने चाहिए. सो उसका मीनिंग क्या होता है? सी, 24 क्वेश्चन है, उसका 80% 19 करेक्ट किए, उसका 80% 19 में से 15 मैंने क्वेश्चन करेक्ट सॉल्व किए. सो 15 × 3 = 45 मुझे मार्क्स मिले, राइट? क्यों? क्या 3 मार्क्स पर राइट क्वेश्चन है, और 4 क्वेश्चन जो मैंने रॉन्ग किए, 45 - 4 41 मार्क्स मुझे यहाँ पे मिल गए. कितने चाहिए थे? 45, है ना? बस वैसे यहाँ पे देख लो, 20 में से 16 अटेम्प्ट, 13 करेक्ट, 13 का 39 मार्क्स, है ना, -3 फॉर दिस 36 मार्क्स मुझे मिल गए। तो वही कर रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन है उसका 80% अटेम्प्ट कर रहा हूँ और जितने भी अटेम्प्ट किए उसका 80% करेक्ट कर रहा हूँ। सो इफ आई गो एड विद दिस स्ट्रेटजी I am able to score the 99 percentile in exam. So that is what you need to target here. Okay, so जब तुम चैप्टर्स के लिए भी पढ़ रहे होगे, ये पहले क्यों बताया, जब तुम चैप्टर्स के लिए भी पढ़ रहे होगे तो दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ये एक डिफिकल्ट एग्जाम है, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन रहा, आई हैव टू लीव दैट इन दी एग्जाम, है ना, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। सो ये चीज़ तुम्हें अभी से ही समझना है ताकि जब तुम वर्कशॉप में जाओ, चैप्टर पढ़ो, तो तुम्हारा दिमाग काफ़ी क्लियर रहे कि वॉट डू वी वॉन्ट टू अचीव विद दिस वर्कशॉप्स। सो अब एग्जाम के बारे में तो समझ लिया, अब हम सेक्शंस में जाते हैं, ओके, और हर एक सेक्शंस के अंदर कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं वो समझते हैं। तो उसका बेस्ट तरीका क्या होगा समझने का, हम 2017 से लेके 2022 तक जहाँ पे 15 पेपर्स है उनका एनालिसिस करेंगे। ये देखेंगे कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, ओके, जिससे हमारे दिमाग में क्लैरिटी होगा कि अगर हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, या रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ओके, और लेट्स से पजल, जो भी हमारा चैप्टर है, हमें ये क्लैरिटी होगा कि इससे लास्ट 6 इयर्स में 15 पेपर्स में कितने क्वेश्चन आए, राइट। सो ये टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है, मुझे इस टॉपिक को कितना इंपॉर्टेंस देना है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम दैट आई हैव फॉर प्रिपरेशन ऑफ कैट 2023। तो वही देखते हैं अब। सो वी आर स्टार्टिंग अप विद क्यूए सेक्शन। सो वी नो क्यूए है, LRDI है, VRC, 3 सेक्शन है। तो अभी सिर्फ क्यूए की बात करते हैं। क्यूए को किस चीज में डिवाइड किया है, वैसे ही जैसे हम स्कूल में डिवाइड करते थे, एल्जेब्रा, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसी में आता है ना, एंड देन देयर इज अ मॉडर्न मैथ्स एंड नंबर सिस्टम। सो मोस्टली यू कैन सी क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं, एल्जेब्रा, अरिथमेटिक, ओके, देन यू कैन सी नंबर सिस्टम्स एंड ज्योमेट्री। सो विल सी ऑल दिस टॉपिक्स इन डिटेल टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन टू एक्सपेक्ट फ्रॉम देयर। ये सेम चीज पाई चार्ट में रिप्रेजेंट किया है एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि 70% ऑफ द क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, ब्लैक एंड देन ग्रीन, व्हिच इज योर अरिथमेटिक एंड एल्जेब्रा, ओके। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये 2 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्ट सेक्शन। अभी उसके अंदर जाते हैं हम। तो हमने देखा नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स, है ना। तो नंबर सिस्टम्स के अभी अंदर जाते हैं, एक एक टॉपिक के अंदर जाएंगे और वो देखते हैं उनके अंदर ऐसे कौन से सब टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। सो नंबर सिस्टम में ये सारे टॉपिक है जो तुम वर्कशॉप में और अच्छे से समझोगे, LCM, HCF, रिमाइंडर्स, फैक्टर्स, फैक्टोरियल्स, यूनिट डिजिट, प्रॉपर्टीज एंड सिंप्लीफिकेशन एंड डिविजिबिलिटी रूल्स। सो मोस्टली क्वेश्चंस तो सब यहीं से आ रहे हैं, प्रॉपर्टीज एंड सिंप्लीफिकेशंस, एज यू कैन चेक इट है, बट यू कैन नॉट अवॉइड एनी ऑफ दिस चैप्टर क्योंकि इनका बेसिक्स तुम्हें लगेगा टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन अरिथमेटिक, ओके। सो यू कैन नॉट से यू विल बी अवॉइडिंग दिस चैप्टर। सो आफ्टर नंबर सिस्टम्स लेट सी ऑन टू द टॉपिक ऑफ एल्जेब्रा, ओके, कौन से सब टॉपिक है एल्जेब्रा में जहाँ से कैट में क्वेश्चन आ रहे हैं। सो एज यू कैन सी इक्वेशंस एंड पॉलिनोमियल, सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसमें उसका पावर इंक्रीज कर दोगे तो पॉलिनोमियल बन जाएगा। फंक्शंस एंड ग्राफ एंड इनइक्वालिटी, लोगारिथम एंड एक्सपोनेंट्स, प्रोग्रेशन एंड सीरीज, ओके। सो अगेन इफ आई हैव टू गिव यू नंबर, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल्स, ओके। सेकेंड सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, लोगारिथम एंड एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स में समथिंग रेस टू समथिंग, सो इसको तुम सर्ट्स एंड इंडाइसेस टाइप भी बोल सकते हो। देन क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं, फंक्शंस एंड ग्राफ्स एंड प्रोग्रेशन एंड सीरीज, राइट। सो दिस शुड बी योर प्रेफरेंस ऑफ टॉपिक इन एल्जेब्रा। सो हम इन सारे टॉपिक को डिटेल में देखेंगे इन आवर वर्कशॉप। इफ यू हैव टू रिप्रेजेंट द सेम थिंग इन पाई चार्ट, एज यू कैन अंडरस्टैंड 27%, 29% कहां से आ रहे हैं, इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल्स एंड देन योर लोगारिथम एंड एक्सपोनेंट्स, ओके। सो एज आई सेड इट टू यू, मैक्सिमम क्वेश्चंस ये 2 चैप्टर से आ रहे हैं, ओके। नाउ आफ्टर दैट लेट्स एंटर इनटू अरिथमेटिक। जस्ट हम गो थ्रू कर रहे हैं बस, क्या ठीक है, ये सेक्शन है, ये सेक्शन में ये टॉपिक है, हाँ, उस टॉपिक में ये सब टॉपिक है, हाँ, तो कौन से सब टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ओके। यू विल हैव दिस चार्ट विद यू। सो व्हेन एवर यू आर प्रैक्टिसिंग अ टॉपिक, लेट्स से कौन सा, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, तो तुम्हें पता होना चाहिए, अच्छा इतने साल में इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ओके। सो दैट मुझे इस टॉपिक के लिए इतना मेहनत करना है, इसीलिए चार्ट तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, ओके, सो दैट यू गेट अ कंप्लीट आइडिया अबाउट व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द वर्कशॉप। तो अभी हम अरिथमेटिक पे आ जाते हैं। अरिथमेटिक मीन्स एवरीथिंग रिलेटेड टू नंबर। सो उसमें कौन से टॉपिक है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SICF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, मिक्सचर्स एंड एलिगेशन, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ओके। और लास्ट में आ जाता है पाइप्स एंड सिस्टम्स, जो टाइम एंड वर्क से ही आ रहा है, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, जो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस ही आ रहा है। नाउ इफ यू आस्क मी अ प्रेफरेंस, क्या इस टॉपिक में कौन से टॉपिक को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस है, एज यू कैन चेक इट, मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं टाइम, स्पीड, डिस्टेंस है, देन यू आर गेटिंग इट फ्रॉम मिक्सचर्स एंड एलिगेशन एंड परसेंटेज। परसेंटेज तो तुम्हें बहुत अच्छे से करना ही है क्योंकि अगर तुम्हें परसेंटेज नहीं आता है तो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट नहीं आएगा, तो तुम्हें SICI भी नहीं आएगा, तो तुम्हें DI भी नहीं आएगा, है ना, सारी जगह प्रॉब्लम हो जाएगी। सो ऑब्वियसली ये सारे चैप्टर्स तो कनेक्टेड है, ये सारे के सारे चैप्टर्स कनेक्टेड है एक दूसरे से। Okay, so that is how we are going to study them in the workshop. Okay, but still if you want a preference, first would be time, speed, distance, second would be time and work and mixtures and allocation. Right, बाकी ये सारे topics तो हम साथ में ही पढ़ने वाले। So this gives you the syllabus of your arithmetic. And if I do again plot this in chart, so you know that maximum question कहाँ से आ रहे हैं 23%, which is your time, speed, distance. Okay, and then you can say rest of all the topics are at equal percentage distribution. ठीक है? After your अरिथमेटिक नाउ वी कम ऑन टू योर ज्योमेट्री। सो वही चीज देखेंगे अभी, ज्योमेट्री में कौन से सब टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। सो ज्योमेट्री बहुत सिंपल है। ज्योमेट्री मीन्स क्या, फिगर में कुछ दिया होगा, हाँ। सो सबसे सिंपल फिगर क्या होता है, लाइन, उससे कॉम्प्लिकेटेड ट्रायंगल्स, उससे कॉम्प्लिकेटेड क्वाड्रिलेटरल्स, उससे कॉम्प्लिकेटेड पॉलीगन्स, उससे कॉम्प्लिकेटेड सर्कल, राइट। और अभी इसी फिगर को 2D और 3D फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, मेंसुरेशन बन गया, है ना। तो ज्योमेट्री को हम अरिथमेटिक की ही तरह लिंक करके पढ़ेंगे एंड विल मेक श्योर ये सारे टॉपिक को हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ प्रेफरेंस वैसा है नहीं, एज यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स आर इंटरकनेक्टेड एंड दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट। सो ऑल लुक्स गुड। ओके, नाउ लेट्स कम ऑन टू मॉडर्न मैथ्स। तो कहाँ से स्टार्ट किया था, कॉन्ट्स में, नंबर सिस्टम देख लिया, एल्जेब्रा देख लिया, अरिथमेटिक देख लिया, ज्योमेट्री देख लिया। अब हमारे मॉडर्न मैथ्स पे यहाँ पे दो टॉपिक है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड सेट थ्योरी। सो दोनों टॉपिक को हमें डिटेल में देखना होगा एंड विल बी फिनिशिंग विद द मॉडर्न मैथ्स एज वेल। ओके, सो एज यू कैन अंडरस्टैंड 70% ऑफ द क्वेश्चन PNC प्रोबेबिलिटी से आया, 30% क्वेश्चन सेट थ्योरी से आया, विच टेल्स अस बोथ द टॉपिक्स आर इक्वल important. Most important thing here is how will we study for QA? Okay, जो हम बोल रहे हैं 99% workshops, तो workshops क्या होते हैं, ना तो ये lecture है, okay, ना तो ये classes है, ऐसा कुछ होता ही नहीं। यहाँ पर lecture और classes में तुम पढ़ते हो, question तुम्हें दिए जाते हो और वो तुम solve करते हो, है ना। workshop में क्या होगा, हम question बनाएंगे कि अरे ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना के ऐसे कैट में क्वेश्चन वो पूछ सकता है, ऐसे वो पैटर्न के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मैं क्या प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, मुझे क्वेश्चन बनाना तो आ गया, तो मैं क्या प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कैसे क्वेश्चंस आएंगे फ्यूचर में, है ना। फ्यूचर में मतलब तुम्हारे कैट के एग्जाम में। सो वही होगा वर्कशॉप में। वर्कशॉप में क्या करते हैं, कुछ क्रिएट करोगे ना, नया क्रिएट करोगे, तो हम प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहे हैं बाय लुकिंग इनटू द पैटर्न इन विच द कैट एज एन एग्जाम इज आस्किंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो उसके लिए हम करेंगे क्या, पैटर्न प्रिडिक्ट कैसे कर रहे हैं बाय सॉल्विंग actual CAT problems from the year 1990 to 2022 on a given chapter. Let's say मैं example लेता हूँ time, speed, distance का, तो उसके उस chapter को हम पढ़ेंगे कैसे। अब मैं एक ही chapter ले रहा हूँ, है ना। Now you understand, वैसे ही हम quadratic equation पढ़ेंगे, वैसे ही हम percentage पढ़ेंगे, तो कैसे पढ़ेंगे, पहले हम उस chapter के basic concepts पढ़ेंगे, ठीक है, समझ गए। उसके बाद उस chapter पे shortcut tricks देखेंगे। कॉन्सेप्ट तो हमें पता है, अभी हमें क्या चाहिए, स्पीड चाहिए ना एग्जाम में। 4 मिनट थोड़ी ले सकते हो एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो स्पीड चाहिए। स्पीड कैसे आएगा, विल डेवलप द राइट शॉर्टकट्स फॉर दैट, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, हाँ, शॉर्टकट सीख लिया, हाँ। अब क्या, अब हम पैटर्न डिराइव करेंगे फ्रॉम द सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स। तो हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व किए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखते वक्त, शॉर्टकट सीखते वक्त, हम उस पर पैटर्न डिराइव करेंगे। ओके, अब तुम बोलेगे पैटर्न आया कहाँ से, यहाँ से आया। वो कैट के जो प्रॉब्लम्स है ना, वहाँ से हमारे पास पैटर्न आया कि अरे ये बार बार ऐसे ही पैटर्न के प्रॉब्लम पूछ रहा है, ये एक ही टाइप का स्टोरी बेस्ड प्रॉब्लम है और एक ही कॉन्सेप्ट है। ओके, जिसको अलग अलग स्टोरी में पुट इन करके अलग अलग साल वो नया क्वेश्चन दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखो ये तो नया क्वेश्चन है। नहीं, वो नया क्वेश्चन है नहीं। ओके, वो पुराना क्वेश्चन ही है। इनफैक्ट वो जो क्वेश्चन आया था पहले वही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट वही है, स्टोरी अलग अलग चेंज हो रहा है। तो तुम्हें ऐसे लग रहा है अरे क्वेश्चन अलग अलग है, तुम खुद 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो ये सोच के कि अरे कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। नहीं, वो क्वेश्चन एक टाइप के पैटर्न पे बेस्ड है, वही सेम कॉन्सेप्ट है बट स्टोरी अलग है। तो वैसे टाइप के पैटर्न को हम देखेंगे कि अरे रिमाइंडर्स में ये पैटर्न है, अरे LCM HCF में ये पैटर्न है, अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये पैटर्न है ना, अरे टाइम स्पीड डिस्टेंस में ये पैटर्न के क्वेश्चन वो पूछ रहा है। तो वैसे तो हम सिर्फ सॉल्व नहीं कर रहे, हम पैटर्न डिराइव कर रहे हैं एंड वी आर प्रेडिक्टिंग द प्रॉब्लम्स। कह रहे इसी पैटर्न से पूछ रहा है तो ये स्टोरी को और कैसे चेंज करके ये पूछ सकता है इस साल 2023 में, राइट। वो चीज हम इस वर्कशॉप में सीखेंगे। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज व्हाट विल मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ओके, बिकॉज रेस्ट ऑफ देम आर जस्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। वो कोचिंग क्लास में जाएंगे, उनको पहले तो एक लेक्चर होगा जिसमें 15 प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे। लेट्स से टाइम स्पीड डिस्टेंस अभी पढ़ते कैसे, बाकी के बच्चे ये देखो तुम मत करना है, तो वो क्या करेंगे 15 प्रॉब्लम्स उनको कोचिंग क्लास में फैकल्टी आके जो उनके सॉल्व एग्जाम्पल में नोट्स में होगा वो सॉल्व करके दे देंगे या तो शीट्स दे देंगे, है ना। वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते प्रॉब्लम, तुम्हें नहीं पता क्या कैसे एक ही कॉन्सेप्ट को दूसरे दूसरे प्रॉब्लम्स पे रिलेट करना है, तुम तो सब प्रॉब्लम को इंडिविजुअली सॉल्व कर रहे हो। ओके, ये सोच के कि अरे इसका भी कुछ तो होगा कॉन्सेप्ट, इधर भी कुछ कर सकते हम, तो तुम रैंडमली सोच रहे हो, वहीं पे प्रॉब्लम है। और फिर फैकल्टी तुम्हें बोल देता है कि यू हैव टू सॉल्व 500 प्रॉब्लम्स विच आर देयर इन योर बुक। ओके, फिर वहाँ पे और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, तुम ऐसे ही रैंडमली वो 500 प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो विदाउट कनेक्टिंग देम। ओके, आई एम हेल्पिंग यू टू कनेक्ट इन दिस वर्कशॉप बाई टेलिंग यू दैट अरे ये तो एक ही कॉन्सेप्ट है। अभी देखो इसी कॉन्सेप्ट से वो हर साल अलग अलग स्टोरी डाल के प्रॉब्लम्स पूछ रहा है, तो अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है ना तो तुम्हें इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस वो कॉन्सेप्ट देख लो और देखो क्या इसी पैटर्न में आ रहे हैं, दैट्स इट। तो 500 प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, 50 करो एंड यू आर थ्रू विद इट। ओके, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अचीव इन दिस वर्कशॉप। ओके, सो हमने कॉन्सेप्ट सीखा, शॉर्टकट सीखा, पैटर्न देख लिए कि कैसे पैटर्न क्या आ रहे हैं, और हमने प्रॉब्लम्स प्रेडिक्ट कर दिए। उसी बीच हमने क्या कर दिया, कैट 1990 से लेके 2022 तक टीएसडी से जितने भी प्रॉब्लम्स आए थे उस एक चैप्टर से, वो भी हमने सारे सॉल्व कर दिए, है ना। तो इसलिए तो हमें पैटर्न भी पता चल गया, हमारे कैट के सारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो गए उस एक चैप्टर से। वैसे दूसरे चैप्टर के लिए सेम चीज रिपीट होगा, क्या कॉन्सेप्ट, शॉर्टकट, पैटर्न, सॉल्विंग। अभी तुम्हें क्या करना है, तुम्हें थोड़ा और प्रैक्टिस चाहिए, तो तुम प्रैक्टिस के लिए 2 कैंपस की रेफरेंस बुक ले सकते हो ऑन क्यूए। ओके, यहाँ पे तुम्हें लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1, 2, 3 पे सारे टाइप के प्रॉब्लम मिल जाएंगे। सो इफ़ यू वांट टू सी के चलो ठीक है अब मैंने जो सीखा है, इतने सारे पैटर्न्स प्रेडिक्ट किए हैं, मुझे एक चैप्टर अच्छे से समझ रहा है, तो मैं प्रैक्टिस करता हूँ ना थोड़ा अपने कॉन्फिडेंस के लिए, है ना। सो वहाँ पे तुम्हें कैट लेवल के प्रॉब्लम चाहिए, है ना, कैट पैटर्न के प्रॉब्लम चाहिए, वो तुम्हें हर एक बुक में नहीं मिलेंगे। दैट इज वाई आई एम आस्किंग यू कि 2 कैंपस का जो रेफरेंस बुक है उसमें तो हमने सारे वैसे ही टाइप के प्रॉब्लम इंक्लूड किए होंगे। सो मेक श्योर एज अ प्रैक्टिस यू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स फ्रॉम देयर। ओके, एंड दैट्स इट, यू आर डन विद योर क्यूए सेक्शन। सो नाउ वी स्टार्ट विद द एनालिसिस ऑफ आवर नेक्स्ट सेक्शन, LRDI. Okay, so this is divided into 2 parts. DI is called as data interpretation and LR is called as logical reasoning. So क्या होता है अब यहाँ पे, पहले LR देख लेते हैं। LR में क्या होगा, you will get puzzles. Okay, but वो जो puzzles है वो अलग अलग chapters से आते हैं। For example, games in two numbers, group arrangement, seating arrangement and then. तो अभी हमें क्या करना है, we'll be studying all these types of puzzle in our workshop and we'll see the concepts as well as the shortcut as to how do you crack it. और यहाँ पे weightage is almost equal with all the puzzles. Okay, mostly you can see mathematical reasoning से puzzle आ रहा है, फिर order and ranking है और general puzzles है, which is carrying more weightage. Now after LR we come on to DI. DI is what, data interpretation. So इसमें क्या होगा, तुम्हें चार्ट दिया होगा। अभी चार्ट कैसे होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। So there is a line graph, okay, जिसमें लाइन से चार्ट बना दिया। देन देयर इज अ टैबुलर ग्राफ जिसमें चार्ट ही नहीं बनाया, सारा इंफॉर्मेशन टेबल में दे दिया। देन देयर इज अ पाई चार्ट, सर्कल में चार्ट बनाया। देन देयर इज अ बार ग्राफ, ऐसा बार्स क्रिएट करके ग्राफ बनाया है। देन देयर इज लॉजिक बेस्ड DI एंड केस स्टडीज। ओके, सो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, यू आर गिवन नंबर्स एंड द नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ चार्ट। अभी चार्ट हो सकता है लाइन ग्राफ ऐसे, ओके, या तो तुम इसको ऐसे बार ग्राफ बना दो, ओके, या तो इस चीज को ऐसे टेबल में प्रेजेंट कर दो एंड यू आर डन। सो पहला पॉइंट ये आता है कि नंबर्स वो लेंगे कहाँ से, कहीं से भी ले सकते हैं। ओके, द नंबर्स कैन बी टेकन फ्रॉम एनीवेयर एंड फ्रॉम दैट दे विल मेक दिस चार्ट एंड दे विल आस्क यू टू एनालाइज दिस चार्ट ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट्स दैट यू हैव लर्नड इन अरिथमेटिक। सो जो तुमने अरिथमेटिक में कॉन्सेप्ट सीखे जैसे परसेंटेज, SICR, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, एवरेज, उसके बेसिस पे वो चार्ट का एनालिसिस करने बोले। That's what you have in your DI section. So, इसको और अच्छे से समझना है तो ये चार्ट से समझेंगे। So, तुम बोलोगे ठीक है सर, वो जो DI के वो चार्ट ले रहा है ना, आप बता सकते हो वो नंबर्स कहाँ से ले रहा है, इट मीन्स वो कौन से टाइप के स्टोरी में से नंबर पिकअप कर रहा है ना। नंबर तो कहीं से भी पिकअप किया जा सकता है, तो कौन सा स्टोरी है यहाँ पे देखो। 2022 शिफ्ट 3 की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट्स है उसका उसने चार्ट बना दिया, है ना। और क्या, डिसीज एंड मोर्टेलिटी रेट, सो कौन से डिसीज है और उससे हाउ मेनी पीपल आर एबल टू लिव, ओके, कितना मोर्टेलिटी रेट है उस डिसीज का। फॉर एग्जांपल कोविड एंड हाई मोर्टेलिटी रेट, है ना। सो वैसे स्प्रेडिंग डिसीज, सो डिसीज कितना जल्दी स्प्रेड हो रहा है। रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ कंपनी, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, विजिट सप्लायर, सेल्समैन विजिटिंग हाउसेज, डांसर्स अटेंडिंग द इवेंट, हॉकी प्लेयर्स परफॉर्मेंस। तो अभी तुम्हें दिख रहा होगा वैसे टाइप के वो कहीं से भी, 6 लैंग्वेज, 5 पीपल, ड्राइवर्स एंड रेटिंग्स। सो कहीं से भी वो नंबर पिकअप करेगा उससे चार्ट बनाएगा। बट यहाँ पे सेम टाइम तुम ये भी देख सकते हो अरेंजमेंट्स, ये कहाँ से आ गया, ये हमारा एलआर का पार्ट। सो बेसिक तुम्हारे DILR सेक्शन में तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, सो हार्डली यहाँ पे कितने क्वेश्चन आए, चार ही क्वेश्चन आए। चार क्वेश्चन मीन्स चार सेट। ओके, चार सेट वो तुम्हें सॉल्व करना है, तुम्हें समझना है और तुम्हारा DILR सेक्शन यहाँ पे यू विल बी थ्रू विद। क्या अभी हम इस वर्कशॉप में DILR के लिए पढ़ेंगे कैसे, ओके कॉन्ट्स के लिए तो हमने देख लिया, सो हाउ विल वी स्टडी फॉर DILR यूज करके हम जल्दी से चार्ट का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, है ना। एट द सेम टाइम रेशियो में कौन से ट्रिक यूज करनी, पाई चार्ट का अपने शॉर्टकट ट्रिक्स होते हैं, तो वो सारे शॉर्टकट ट्रिक्स हम देख बहुत मिल जाएंगे, है ना। बट हम तो कैट का एग्जाम लिख रहे हैं, तो हमें कैट के लेवल की स्टोरी, ओके कैट के लेवल में जैसे टाइप के DI सेट पूछे वैसे टाइप के DI सेट सॉल्व करने होंगे, तो वही हम यहाँ पे करेंगे। एक्चुअल कैट पेपर से DI सेट सॉल्व करेंगे और उनका लैंग्वेज समझेंगे, उनका लेवल ऑफ डिफिकल्टी समझेंगे कि इस लेवल पे हमें एग्जाम में भी सॉल्व करना है, है ना। तो हमारा स्ट्रेटेजी देन विद दिस, अगर हमने सॉल्व कर दिया एक्चुअल कैट पेपर, विल डेवलप अ स्ट्रेटेजी एंड द स्पीड टू क्रैक DI सेट्स इजीली, है ना। हमने कैट के लिए प्रिपरेशन कर लिया और हमारा स्ट्रेटेजी अभी डेवलप हो चुका है। तो ये सब तो हो गया, we are done with this. तो अभी क्या for you the confidence you have to practice the problem from 2Campus का reference book on DI, that's it. Okay, so वैसे जैसे तुमने cons के लिए practice किया था अभी DI के लिए practice करना, okay, and that's how you will for your LRDI section. So after DI now let us see how will we study for LR section in our 99 percentile workshop. Okay, so strategy same होगा, we'll study the basics of all types of puzzles. So हमने देखा है puzzles जो है वो अलग अलग चैप्टर से आते हैं, सो हर एक पजल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है पहले हम वो देख लेंगे, ओके, ताकि बेसिक्स में मिस्टेक ना हो। देन व्हाट विल डू, सॉल्विंग लॉजिकल रीजनिंग सेट्स आस्क्ड इन द एक्चुअल कैट पेपर 1990 से 2022 तक। तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया, अब हम कैट में जो एक्चुअल पजल्स आए थे उनको सॉल्व करेंगे एंड विल डेवलप द राइट प्रैक्टिस टू क्रैक देम इन द एग्जाम एज वेल। ओके, दिस विल डेवलप दिस प्रैक्टिस टू क्रैक द LR सेट्स इजीली। अब तुम्हें अपने प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, वही जो तुमने कॉन्ट्स के लिए किया था, ओके वही जो तुमने LRDI के लिए किया था, 2Campus के रेफरेंस बुक में तुम्हें LR के काफी पॉइंट्स मिल जाएंगे जो कैट के पैटर्न पर बेस्ड है, वो तुम्हें सॉल्व करना है, अपना प्रैक्टिस और अच्छा करना है एंड देन यू आर रेडी टू क्रैक दिस सेक्शन एज वेल। ओके, विद दिस वी कंप्लीट आवर LR सेक्शन एज वेल। नाउ लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज योर VARC। सो QA हो चुका है, LRDI हो चुका है, नाउ वी कम ऑन टू द थर्ड सेक्शन दैट इज वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दे आर टेस्टिंग योर रीडिंग स्किल्स। ओके, तुम जो इंग्लिश एज अ लैंग्वेज उसके साथ कितने अच्छे हो, तुम्हें वर्ड्स का मीनिंग पता है, ओके तुम पैसेजेस क्रैक कर सकते हो, वो स्किल्स चेक हो रहा है। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, RC रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एज यू कैन सी 50% से भी ज्यादा क्वेश्चन, अराउंड 50 to 70% ऑफ द क्वेश्चन इन दिस सेक्शन कम्स फ्रॉम RC। ओके, रेस्ट इज पैराजम्बल, समरी पैराजम्बल दैट इज ऑल सेंटेंसेस आउट एंड क्लोज पैसेज। ओके, ये सब क्या होता है वो तो हम वर्कशॉप में देखेंगे। सो अगर मैं RC के अंदर भी जाता हूँ तो RC जो है भी दो टाइप के होते हैं, मेनली यू गेट दी RCs which are based on content and subject। ओके, सो क्या हो सकता है RC समझो एक बड़ा बुक है ना, जिसमें 300 पेजेस है, उसमें से मैं 2 पेज ऐसे फाड़ कर तुम्हें दे रहा हूँ, ना ये है तुम्हारा RC। अभी ये RC को देखकर बताओ क्या इसमें जो ऑथर ये लिख रहा है ना RC, उसका टोन क्या है, तुम्हें क्या लगता है ये RC कहाँ से लिया गया है, न्यूज़पेपर से लिया गया है, कोई बुक से लिया गया है, व्हाट डू यू थिंक। फिर पैसेज में जो ये लाइन मेंशन है ना, तुम्हें क्या लगता है ऑथर ने ये लाइन क्यों लिखा, पैसेज में जो ये वर्ड दिया है ना, तुम्हें क्या लगता है ये वर्ड का मीनिंग क्या है ना, व्हाट डू यू थिंक अगेन इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। तो पूरा पैसेज तो पढ़ लिया, एक पैराग्राफ का नहीं पूरे पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या है, तो वैसे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आ सकते हैं, राइट। सो वो चीज़ पे हमें प्रिपरेशन करना है। सो वैसे कॉन्टेंट बेस्ड पैसेजेस जो हो गए वो कंटेंट पहले पढ़ना है और उस पर क्वेश्चन टैकल करना है। विल अगेन सी दिस इन डिटेल इन द वर्कशॉप। अभी ये पैराजम्बल के बारे में बताया कि दो टाइप के पैराजम्बल होते हैं, नॉर्मल वाले और ऑल सेंटेंसेस आउट, उसमें से भी कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। देन यू हैव द समरी बेस्ड क्वेश्चन, अगेन यू कैन सी थ्री क्वेश्चन आर बीइंग आस्क्ड एवरी ईयर ऑन समरी बेस्ड। पैराग्राफ दिया होगा, पूछेगा व्हाट डू यू समराइज फ्रॉम दिस पैराग्राफ। ओके, सो उसके लिए वी हैव द ट्रिक्स। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज हाउ विल वी स्टडी फॉर RC, वर्बल एबिलिटी नहीं RC की बात कर रहा हूँ। सो RC के लिए हम कैसे पढ़ेंगे, पहले तो हम रीडिंग स्ट्रेटजीज डेवलप करेंगे कि अरे इतना बड़ा RC है, उसमें इतनी सारी चीजें लिख के दी गई है, तो हमें क्या पढ़ना है और क्या इग्नोर करना है, स्किम करना है ना। क्या इतना ही पढ़ो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ ऑथर बोलना क्या चाह रहा है, एज एट द सेम टाइम में बाकी के क्वेश्चन जो दिए वो आंसर कर सकता हो। more importantly we'll develop the cheat codes। so reading strategy तो आ गया, cheat codes to crack various types of question in RC। अब मैंने तुम्हें बताया कि क्वेश्चन अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे सेंट्रल आइडिया क्या है पैसेज का, ये वर्ड का मीनिंग क्या है, ये लाइन का मीनिंग क्या है, ये पैराग्राफ में ये लाइन दिया गया उसका मीनिंग क्या है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए हमारे पास चीट कोड्स है ना। गेम में होता है ना कि तुम एक तो गेम मेहनत से पूरा उसको पार करो, या तो तुम चीट कोड डेवलप करो ना जिससे तुम बस पहुंच जाओगे एक स्टेज से दूसरे स्टेज। वैसे ही कुछ चीट कोड्स यहाँ पे हो रहा है। सो आई जस्ट टेल यू कि अगर 4 पैराग्राफ का आरसी आता है ना तो सेकंड पैराग्राफ के लास्ट लाइन में तुम्हें ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल आइडिया बेस्ड क्वेश्चन। तो वैसे डायरेक्टली पैसेज हमें ज्यादा समझा ही नहीं है, ऐसी हम लाइंस उठा रहे पैसेज से और क्वेश्चन आंसर कर रहे। तो हो गया ना चीट कोड, इसे हम डिटेल में देखेंगे हमारे वर्कशॉप में। बट बी रेस्ट एश्योर्ड दिस इज द फुल प्रूफ मेथड फॉर यू टू गेट आंसर्स टू एनी ऑफ द आरसी। ठीक है, फिर हम कुछ इन्फॉर्मेटिव वर्कशॉप करेंगे। ओके, जैसे क्योंकि पैसेज तुम्हारा आता है ना वो कहीं से भी आ सकता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, फिक्शन, कहीं से भी आ सकता है। तो एक पैसेज आ गया साइकोलॉजी पे, बट तुम्हें तो साइकोलॉजी पे कुछ आइडिया ही नहीं है तो तुम्हें तो पैसेज समझेगा ही नहीं, इसलिए हम इन्फॉर्मेटिव वर्कशॉप कर रहे हैं। ओके, जिससे क्या होगा, तुम्हें हर एक फील्ड जिससे हमारे कैट में आरसी आ सकते हैं उनका थोड़ा बहुत आइडिया होगा। ओके, जिससे तुम वो आरसी जो है इजिली क्रैक कर पाओगे। सो वो हम करेंगे वर्कशॉप में। उसके बाद क्या, उसके बाद सॉल्विंग कॉम्प्रिहेंशन सेट्स आज इन द एक्चुअल कैट पेपर। तो सब कुछ आ गया हमें, चीट कोड्स हमने सीख लिए, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हमने देख लिए, इन्फॉर्मेटिव वर्कशॉप्स हो गए। ओके, अभी तो प्रैक्टिस करो। तो प्रैक्टिस के लिए बेस्ट क्या होगा, कैट में जो एक्चुअल आरसी आए थे उन्हें प्रैक्टिस करो, उनके क्वेश्चन आंसर करो। तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ठीक है मुझे आ रहा है, जो मैंने सीखा था वो मैं अप्लाई कर पा रहा हूँ। अब तुम्हें उस पर एडिशनल प्रैक्टिस चाहिए तो बस 2Campus की रेफरेंस बुक उठा लो ऑन VARC, उस पर काफी सारे पैसेजेस मिल जाएंगे। सो ये सॉल्व करते रहो। ओके, एंड यू विल हैव द राइट practice as well as the strategy to crack your RC section as well, right? So this is what you are supposed to do. And how will you study VA? Okay, verbal ability, reading comprehension. So RC समझ गया, verbal ability जिसमें क्या आता है तुम्हारा summary based question, parajumble, okay, बाकी का सब जो हमने देखा था। So again, learning the basics of all the verbal ability question asked in the CAT exam। तो parajumble का basics क्या है, summary में क्या सोचना होता है, क्या नहीं सोचना होता है ना, कैसे right answer मिलेगा, वो सब हम पढ़ लेंगे। Then we'll solve the verbal ability question from the actual CAT paper. Then with this we'll be having the right practice and the strategy to crack the VA in question in exam as well, right? So simple चीज रखा है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लिया, शॉर्टकट डेवलप कर लिया, या तो हम पैटर्न देख ले रहे हैं उसका, उसके बाद हम कैट के पेपर में वैसे टाइप के जो क्वेश्चंस आए थे उन्हें प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर हमारी प्रैक्टिस के लिए हम 2Campus की रेफरेंस बुक पे चले जाएंगे और एडिशनल अगर हमें क्वेश्चन चाहिए जो कैट के लैंग्वेज पे, कैट की डिफिकल्टी पे बेस्ड है, तो वो हम वहां से प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, एंड दैट्स हाउ यू कैन इजीली टैकल योर VARC section. So now we come on to the most important slide of this workshop as to how will we study for this workshop, how will we think, okay, and how are these workshop different from the actual classes. So let's see now the highlights ऑफ दिस वर्कशॉप। ओके, इससे क्या होगा, तुम्हें भी आइडिया रहेगा कि हम कैसे पढ़ रहे हैं और ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं, है ना, इसका हमारे एग्जाम में कैसे बेनिफिट होगा। हाउ विल दिस हेल्प अस टू स्कोर द 99 परसेंटाइल। सो लेट्स सी द फर्स्ट थिंग, द लर्निंग प्रोसेस। सो कोई भी एक टॉपिक ले लेते हैं हम, उस पर हम क्या कर रहे हैं, हम पैटर्न्स ऑफ द प्रॉब्लम आस्क्ड बाय कैट, तो हम क्या कर रहे हैं उस टॉपिक, लेट्स से टाइम स्पीड डिस्टेंस, उसमें हम देखेंगे कि पैटर्न कैसे, पैटर्न के प्रॉब्लम वो पूछ रहा है। टाइम स्पीड डिस्टेंस तो बहुत बड़ा चैप्टर है ना, तो उस पर कैसे भी स्टोरी बना के वो प्रॉब्लम पूछ सकता है, बट कैसे पैटर्न के प्रॉब्लम है जो वो हर साल पूछ रहा है, कॉन्सेप्ट वही है, लॉजिक वही है, स्टोरी चेंज हो रहा है, तो वो चीज हम प्रेडिक्ट करेंगे, है ना। उससे क्या होगा, विल क्रिएट एंड प्रेडिक्ट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द टॉपिक बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑब्जर्व। सो जो पैटर्न हमने बनाया है उससे हम प्रेडिक्ट करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं ना, उससे हमारा काम और इजी हो जाएगा, एग्जाम में स्पीड और बढ़ जाएगा, क्योंकि हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, अरे ये बस यही कॉन्सेप्ट है, स्टोरी चेंज करके वापस से ऐसे ही पूछ रहा है। अब तुम बोलोगे सर आप प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हो पैटर्न, ओके, बिकॉज सी कैट पेपर्स आर जस्ट कॉपीड फ्रॉम वन टू अनदर विद अ चेंज इन द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। ओरिजिनल क्वेश्चन आर वेरी फ्यू, यही तुम्हें देखना है। तो वही एक ही कॉन्सेप्ट है, उस एक ही कॉन्सेप्ट पे उसने 10 बार क्वेश्चन पूछा है, बट 10 बार अलग अलग स्टोरी है ना, तो तुम्हें वही देखना है, अरे कॉन्सेप्ट तो वही है, तो बस ये स्टोरी चेंज कर रहा है, लैंग्वेज चेंज कर रहा है, पूछ तो वही चीज रहा है, राइट, वही चीज। सो ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चन आर रिपीट क्वेश्चन, वी जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई द राइट पैटर्न इन विच द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, और वही हम करेंगे इस वर्कशॉप में। हम पैटर्न आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है और उससे प्रेडिक्ट करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सो दैट इज आवर फर्स्ट थिंग, फर्स्ट हाईलाइट ऑफ दिस वर्कशॉप। सेकंड, हाउ विल वी थिंक। अभी जनरली क्या होता है, वो तुम्हें जब भी तुम कहीं पे भी पढ़ते हो, कोई भी कोचिंग क्लास में पढ़ रहे हो, वो तुम्हें प्रॉब्लम लिख के देंगे और उस पर रैंडमली सॉल्व कर देंगे विदाउट कनेक्टिंग देम। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सारी चीज को कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, सी क्योंकि कैट का एग्जाम जो है वो बहुत ही सिंपल है, तुम्हें क्वेश्चन या तो वर्ड्स के फॉर्म में मिलेगा, या तो वेरिएबल के फॉर्म में मिलेगा, या तो डायग्राम के फॉर्म में मिलेगा, या तो नंबर्स के फॉर्म में मिलेगा। तुम्हारे ऑप्शंस भी या तो वर्ड्स के फॉर्म में हो गए, या तो वेरिएबल्स हो गए, या तो डायग्राम्स हो गए, या तो नंबर्स हो गए, है ना। तो बस इसी चीज में घूम रहा है पूरा कैट का पेपर। क्वेश्चन नंबर में दिया है, आंसर वेरिएबल में पूछा है। क्वेश्चन वेरिएबल में दिया है, आंसर वेरिएबल में पूछा है। क्वेश्चन वर्ड में दिया है, आंसर वेरिएबल में पूछा है। क्वेश्चन वर्ड में दिया है, आंसर नंबर में पूछा है, राइट। बस ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारे पास क्या हो गए, ऑप्शंस हो गए, ओके। तो ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पेपर विल सॉल्व बाय ऑप्शन, व्हिच इंक्लूड्स योर ज्योमेट्री, व्हिच इंक्लूड्स योर अलजेब्रा, व्हिच इंक्लूड्स योर अरिथमेटिक एंड डीआई, ओके। सो ऑप्शंस भी कैसे यूज करके हमें जल्दी से जल्दी वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो भी सारी ट्रिक्स हम देख लेंगे मोस्टली। सी बस ये चार चीज याद रखो, क्वेश्चन इसके बाहर है ही नहीं। तो जब भी तुम क्वेश्चन देखोगे बस ये देखना, अरे क्वेश्चन किसमें दिया, आंसर किसमें पूछ रहा है ना। और ये चीज अभी तुम्हें इस पे ज्यादा स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये इतना प्रैक्टिस कर लेंगे दैट दिस थिंग विल फिट इनटू योर ब्रेन, किसमें दिया और किसमें पूछ रहा है, तो कौन सा ट्रिक यूज करना चाहिए। बेसिकली बस कैट का पेपर ऐसा ही है, इतने में ही बनता है। सो विल कीप थिंग्स सिंपल सो दैट वी अंडरस्टैंड इट वेल, ठीक है। अब नेक्स्ट जाते हैं मिथ्स वर्सेस फैक्ट, ओके। सो मिथ है कुछ क्या, कैट इज अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम विदाउट द डिफाइंड सिलेबस। अरे किधर से भी कुछ भी पूछ लेते, कैसे भी क्वेश्चन बना देते, ये मिथ है। बट एक्चुअली में फैक्ट क्या है, why difficult because nobody knows what to prepare, how to prepare, knowing is important not memorizing, okay। किसी को पता ही नहीं है कि क्या प्रिपेयर करना है और कितना प्रिपेयर करना है ना। वो रैंडमली कुछ भी पढ़ते रहते हैं। वो शायद एनमैट का सिलेबस से रिलेटेड कुछ है, बैंकिंग एंट्रेंस के लिए वो सब पढ़ रहे कैट के लिए, ओके। और वो इस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे कॉन्ट्स में, जो दूसरे एग्जाम जैसे लेट्स से बैंकिंग एंट्रेंस एग्जाम हो गया, ओके, और योर MHCET और योर स्नैप, ऐसे टाइप के एग्जाम में आते। बट कैट का लैंग्वेज और लेवल ऑफ डिफिकल्टी दोनों अलग है ना। सो What is more important here is knowing, और वही तो हम कर रहे हैं जब हम पैटर्न क्रैक कर रहे हैं कैसे टाइप के क्वेश्चन कैट में आते हैं। इनफैक्ट हम तो प्रिडिक्ट कर रहे हैं ना, सो वी नो इट रियली वेल। सो दैट इज वन मिथ वर्सेस फैक्ट दैट यू नीड टू नो बिफोर वी स्टार्ट विद द वर्कशॉप, ओके। व्हाट नेक्स्ट, हाउ विल वी मेक कैट इजी, अभी हम कैट जैसे डिफिकल्ट एग्जाम को इजी कैसे बनाएंगे। आफ्टर नोइंग द पैटर्न्स, ठीक है, वी विल क्रिएट प्रॉब्लम्स way beyond the level of cat, so cat will look very easy, okay। इतनी मेंटालिटी। अभी हम क्या करते हैं, हम बहुत ही इजी वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना, और कैट में आ जाते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो हमें सडनली कैट बहुत डिफिकल्ट लगता है बिकॉज हम बिना कनेक्ट करे कुछ भी पढ़ते रहते, कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ओके। या तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम मेमोराइज करके जाते हैं, अरे ऐसा है ना तो ऐसा फॉर्मूला यूज करके ऐसा मेरा आंसर आएगा। ये सब कैट में नहीं होने वाला है, ओके। ये इसलिए तुम्हें कैट डिफिकल्ट लगने लगता है क्योंकि तुम एक तो मेमोराइज करके जा रहे हो, दूसरा तुम जो पढ़ रहे हो वो चीजों को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। क्या रे TSD रेशियो से कैसे कनेक्टेड है, SICR परसेंटेज से कैसे कनेक्टेड है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल से कैसे कनेक्टेड है ना, सर्कल्स जो है वो क्वाड्रिलैटरल से कैसे कनेक्टेड है। तो वो सारी चीजें अगर तुम्हें आ गई, यू विल फाइंड कैट वेरी इजी। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, विल गो वे बियॉन्ड द लेवल ऑफ कैट। हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे कि जब तुम वो क्वेश्चन सॉल्व करके कैट के पेपर पे आओगे ना, तुम बोलोगे ये इतना इजी है कैट, मैंने इतनी मेहनत क्यों की है ना। सो विल गो वे बियॉन्ड द लेवल ऑफ कैट, सो सडनली द कैट विल स्टार्ट टू लुक वेरी इजी, ओके। एंड वी आर नॉट कॉम्प्लिकेटिंग थिंग्स, वी आर जस्ट यूजिंग सिंपल कॉन्सेप्ट, और वही देख रहे हो सिंपल कॉन्सेप्ट से स्टोरी कैसे बन रही है और उसी स्टोरी से वो कैसे प्रॉब्लम पूछ रहा है। तो इस तरीके से अगर हम पढ़ेंगे सारी चीजें ईजी लगेगी, ओके। व्हाट नेक्स्ट, टिप्स बिफोर यू स्टार्ट विद द वर्कशॉप। क्या टिप है, नॉट मेमोराइजिंग बट नोइंग इज इम्पोर्टेंट, ओके। तो ये होने वाला है, ये SIC है, ये उसके 5 फॉर्मूला है, रट्टा मारो हो जाएगा, है ना। ये प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट है, इसके ये 4 फॉर्मूला है, रट्टा मारो हो जाएगा। ये सर्कल से इसकी ये 4 प्रॉपर्टीज है, टैंजेंट वाला है, सीकेंट वाला, ये सब मेमोराइज कर दो, वहां पे जाके अप्लाई करो, हो जाएगा। यही करते हैं स्टूडेंट, जस्ट मेमोराइज। इनफैक्ट कुछ स्टूडेंट्स तो इस एक्सटेंड तक पहुंच जाते हैं कि वो अपनी पूरी नोट्स में जितने क्वेश्चन दिए वही मेमोराइज कर लेते हैं कि ऐसे टाइप में ऐसे ऐसा करना है, उसके बाहर कुछ उनको पूछो नहीं आता है, ओके। यहीं पे तो प्रॉब्लम हो रहा है। और फिर तुम एग्जाम में जाके क्या करते हो पता है, एग्जाम में वो क्वेश्चन देखते हो और अपनी नोट्स में ढूंढते हो कि अरे ऐसा कौन सा क्वेश्चन था जो मैंने नोट्स में सॉल्व किया था, और वहां पे टाइम वेस्ट हो जाता है। तो तुम लॉजिक यूज ही नहीं कर रहे हो, तुम तो मेमोरी यूज कर रहे हो, है ना। दिस इज वेयर यू विल फेल इन द एग्जाम ऑफ कैट, बिकॉज कैट इज एन एग्जाम विच वर्क्स बेस्ट ऑन लॉजिक, एंड द लॉजिक कैन बी बेस्ट अप्लाइड ऑन द सिचुएशन, ओके, नॉट बाय गोइंग इन द पास्ट लाइक अरे ऐसा क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था तो उससे कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। नहीं, ये तुम कर ही नहीं सकते हो, है ना। तो मेमोरी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, नॉट मेमोराइजिंग बट नोइंग, ओके। सो मेक श्योर यू डू दैट व्हाइल यू आर इन दिस वर्कशॉप, नॉट मेमोराइजिंग बट नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग। व्हाट नेक्स्ट, predict pattern and make a few questions and expect what examiner can make rather than blindly solving 500 questions on the topic। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम देख लेंगे क्या इतने ही पैटर्न क्या रहे, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो यही 10 है, उसी से वो फिर 500 प्रॉब्लम्स बना रहे हैं, है ना। तो बस ये 10 कॉन्सेप्ट हम अच्छे से कर लेते हैं, बाकी तो हम बना लेंगे क्या? ठीक है, ऐसा भी प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी बन सकता है। तो हमें 500 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, जो जनरली तुम अपने कोचिंग क्लास में कर रहे हो, 500 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एक चैप्टर पे विदाउट इवन कनेक्टिंग देम। ओके, सो ये चीज हम नहीं करेंगे, हम बस समझ लेंगे क्या किस पैटर्न से बने और वो कैसे पूछ सकते हैं। अगर तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए तो तुम अपने लिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो फ्रॉम 2Campus का रेफरेंस बुक। व्हाट नेक्स्ट? वन मोर टिप, स्टॉप फॉलोइंग 30-year-old इंस्टीट्यूट्स, 30-year-old मेथड्स। They are created to make the exam look difficult. Also, everyone follows these methods. So, these jobs think different. See, क्या हो रहा है अभी, ये तुम जो इंस्टीट्यूट में मेथड्स पढ़ रहे हो बहुत साल पहले से, ना तो इनके नोट्स चेंज हुए, ना इनके मेथड चेंज हुए, ना इनका सोचने का तरीका चेंज हुआ है। ओके, एग्जाम चेंज हो रहा है, एग्जाम इज अडेप्टिंग टू द न्यू काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस, बट दे आर नॉट। ओके, सो दे विल मेक थिंग्स लुक वेरी डिफिकल्ट If you follow these methods, which I am telling you, क्या randomly 12 क्वेश्चन ले लिए, उसको सॉल्व कर दिए, फॉर्मूला का शीट दे दिया रट्टा मारने के लिए। ओके, देन यू आर मेमोराइजिंग एंड देन यू आर थिंकिंग। तुम 500 क्वेश्चन बिना कोई मतलब के विदाउट कनेक्टिंग देम प्रैक्टिस कर रहे हो, तो यहाँ पे तुम्हारा एफर्ट्स वेस्ट हो रहा है, कॉन्फिडेंस जा रहा है, प्लस तुम्हें मजा नहीं आ रहा है जो तुम कर रहे हो, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट एनीथिंग, यू आर थिंकिंग रैंडमली, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है क्या चल रहा है। तुम बस होप कर रहे हो कि ठीक है ऐसे टाइप के क्वेश्चन कैट में भी आ जाए तो फिर अच्छा हो जाएगा और मुझे परसेंटाइल मिल जाएंगे। ओके, वैसे नहीं होने वाला। सो स्टॉप फॉलोइंग द मेथड्स ऑफ दिस 30-year-old इंस्टीट्यूट विच आर गिविंग यू नथिंग, राइट? व्हाट नेक्स्ट? कॉमन सेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन कॉन्सेप्ट्स, दैट इज व्हाट यू विल सून रियलाइज। काफी क्वेश्चंस हम कॉमन सेंस ही सॉल्व कर लेंगे, उसके लिए ना मैथ्स का जरूरत है, ना किसी चीज का जरूरत है ना, नो लॉजिक, नथिंग इज रिक्वायर्ड, ऑल दैट यू नीड इज अ बेसिक कॉमन सेंस टू सॉल्व सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, सो रिमेंबर दिस वेरी वेल, कॉन्सेप्ट से ज्यादा कॉमन सेंस इंपॉर्टेंट है। ओके, विच इज वेरी अनकॉमन, बट विल मेक श्योर वी यूज कॉमन सेंस टू सॉल्व आवर क्वेश्चंस इजीली। ठीक है, और क्या? व्हाट वर्सेस वाई। सी, एवरीवन टेल्स यू व्हाट इज द मेथड। फॉर एग्जांपल, फैक्टराइजेशन करना है ना, ऐसे ऐसे करो तो आ जाएगा, अच्छा फिर 5 का हाईएस्ट पावर निकालना है 100 फैक्टोरियल में, ऐसे ऐसे करो आ जाएगा, बट क्यों ऐसे कर रहे हो? वाई आर यू फाइंडिंग द हाईएस्ट पावर ऑफ 5 इन 100 फैक्टोरियल जस्ट बाय फैक्टराइजेशन का मेथड? क्यों कर रहे हो ऐसा? वो चीज कोई नहीं बताए, बट वी विल मेक श्योर एवरी, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया ना फैक्टराइजेशन, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है जिसमें तुम्हें सिर्फ मेथड बता दिया जाता है। वो ठीक है, वो मेथड ठीक है, अगर तुम MHCT लिख रहे हो, स्नैप लिख रहे हो, एनमैट लिख रहे हो, कैट के लिए नहीं। ठीक है, कैट के लिए वो जो वाई पार्ट है ना, उससे ही स्टोरी बन के क्वेश्चन आएगा, है ना, तो वहां पे तुम फंस नहीं सकते हो। सो वाई इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट। Everyone is telling you what is the method, but no one tells you why is the method working. Understand the why and you can solve, predict any type of problem asked from the topic. तो एक बार तुम्हें पता चल गया ना, अभी तुम बोलते हो divisibility test है ना, 2 के लिए last digit, 4 के लिए last 2, 8 के लिए last 3, 3 के लिए sum of the digits. Okay, if that is divisible by 3, the number is divisible by 3. But ऐसा क्यों? Q11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑड माइनस इवन, ऑड पे जो डिजिट से सबको ऐड करो, इवन नंबर पे जो डिजिट से सबको ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, देखो जो भी नंबर आ रहा है वो डिविजिबल बाय 11 है या नहीं, ऐसे ही क्यों है? 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी ऐसे ही क्यों है? सम ऑफ द डिजिट्स हैज टू बी डिविजिबल बाय 9, 9 और 3 का सेम क्यों है, राइट? फिर 13 का क्या होगा? अगर मुझे 11 का आ गया निकालने तो मैं 13 का भी निकाल सकता हूँ, 17 का भी निकाल सकता हूँ, है ना? वैसे तो वंस यू गेट द व्हाई बिहाइंड इट ना, वो रिमाइंडर्स अपने आप तुम्हें आ जाएगा, वो तुम्हें कोई नहीं बताता है। ओके, यू आर जस्ट बीइंग टोल्ड कि ऐसे ऐसे करो, वाई तुम्हें पता चला ना तो फिर तुम कनेक्ट कर पाओगे। एक बार तुम कनेक्ट करना सीख गए, यू डोंट नीड मी, यू विल मेक द प्रॉब्लम्स, यू विल थिंक, कैट का पेपर तुम सेट कर दोगे, राइट? वैसे ओके, इस लेवल पे जाके पढ़ना, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। वंस यू गो एट दैट लेवल, कैट विल सडनली लुक वेरी इजी। ओके, सो दीज आर ऑल द थिंग्स व्हिच आई वांटेड यू टू टेल अबाउट द वर्कशॉप। ओके, नाउ इफ यू वांट टू हैव द एक्सेस टू द वर्कशॉप, सो यू हैव डू ओनली वन थिंग, 2Campus का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, in that go to CAT exam. In CAT exam you will see 3 video courses, one for your VARC section, one for your LRDI section and one for your QA section. Okay, so whatever section you want to start with, I would ideally say start with QA, पहले QA finish करो, उसके बाद LRDI पे जाना, क्योंकि LRDI जो है वो QA का लॉजिक यूज होता है, as I said arithmetic का लॉजिक यूज होगा to solve problems on DI, और काफी लॉजिक जो तुम QA में भी सीखोगे LR में भी तुम अप्लाई कर सकते हो। ओके, लॉजिक तो लॉजिक ही होता है। ओके, वैसे तो यू कैन फर्स्ट स्टार्ट विद QA सेक्शन, देन गो ऑन टू LRDI एंड साइमल्टेनियसली जब तुम ये दोनों कर रहे हो तो फिर तुम VARC का सेक्शन भी सॉल्व कर सकते हो। एंड as I said before, these are all pre-recorded classes, but be rest assured the methods that you will learn here you will not find it anywhere else. Okay, so make sure you take the full advantage of that and score this magical figure of 99th percentile in your CAT 2023 exam.